हे गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डिस्पेजिया एंड हाउ टू ट्रीट डिस्पेजिया डिजीज़। जी हाँ गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डिस्पेजिया बीमारी होती क्या है और इसको कैसे ठीक करें और इसमें क्या खाएं और किन चीज़ों को अवॉइड करें। और हम जानेंगे कि डिस्पेजिया का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। जी हाँ गाइस, चलिए जानते हैं कि डिस्पेजिया होता क्या है। डिस्पेजिया का अगर हम लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है निगलने में परेशानी होना। जी हाँ गाइस, अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है उसको निगलने में परेशानी हो रही है और वो खाने को अच्छी तरह से निगल नहीं पा रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है या तो खाना निगल नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को डिस्पेजिया की दिक्कत हो सकती है। तो गाइस डिस्पेजिया कॉमनली टू टाइप का होता है। आज हम बात करेंगे इसके पहले टाइप के बारे में जो कि सबसे कॉमन होता है। इसमें व्यक्ति के गले में दर्द होगा और वह व्यक्ति वहां सूजन महसूस करेगा और अगर वह व्यक्ति खाना खाएगा तो उसको उस खाने को निगलते टाइम बहुत तीव्र गति से दर्द भी हो सकता है और वो खाना अच्छी तरह से नहीं खा पाएगा। तो गाइज आगे हम बात करेंगे इनके कुछ कारणों के बारे में, इनके कॉज के बारे में कि किस वजह से व्यक्ति में जो कि डिस्पेप्सिया की दिक्कतें आती है। पहला है एक्यूट टॉन्सिलिटिस और दूसरा है गाइज एक्यूट फेरेंजाइटिस और लैरेंजाइटिस। ये दो मुख्य कारण होते हैं व्यक्ति में डिस्पेप्सिया होने में। अब जानेंगे उनके सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सिम्टम इंसान को देखने को मिलेगा निगलने के दौरान गले में दर्द होना, बहुत दिक्कत होना और जब व्यक्ति खाना खाएगा तो उसको निगलने में उसको बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं और व्यक्ति खाना अच्छी तरह से निगल नहीं पाएगा। तो इसमें सबसे पहला लक्षण यही देखने को मिलता है कि खाने को निगलने में दिक्कत होना। और गाइस जो दूसरा है निगलने में असमर्थ होना, वही दिक्कत है कि खाना व्यक्ति निगल नहीं पाएगा और खाने को वो बाहर भी फेंक सकता है। तो ये जो दो मेन कारण होते हैं, जो मेन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और तीसरा गाइस है खाने को निगल ना पाना और बार बार दिल में जलन होना, मतलब बार बार सीने में उस व्यक्ति को जलन हो सकती है और खाने को वो अच्छी तरह से निगल नहीं पाएगा। और गाइस जो अगला सिम्टम या लक्षण देखने को मिल सकता है कि उस व्यक्ति में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उस व्यक्ति में वह एसिड गले तक आ जाएगा और उस व्यक्ति को कच्ची डकार भी आ सकती है। और अगला जो कारण है वो खाना निगलते टाइम उस व्यक्ति को खांसी भी आ सकती है। तो गाइस चलिए जानते हैं डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डिस्पेप्सिया की दिक्कतें आ रही हैं तो उसको कैसे ठीक करें। तो गाइस सबसे पहले उस व्यक्ति को कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार स्टीम लेना चाहिए, बॉइल्ड वाटर के साथ साथ उसमें विक्स मिला दे तो उस व्यक्ति की दिक्कतें दूर हो सकती है। और जो दूसरा अगला ट्रीटमेंट है वो है रिस्पायरेटरी एंटीबायोटिक जैसे कि लियोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, साथ में उस व्यक्ति को जो कि कॉम्बिफ्लाम की टैबलेट भी दे सकते हैं जो कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कम्बिनेशन होता है और यह एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। और उस व्यक्ति को अगर खांसी आ रही है साथ में उस व्यक्ति को कफ आ रहा है तो उस व्यक्ति में आप कोई कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अस्थाकाइंड या अस्थाकाइंड एलएस का भी यूज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति में। तो चलिए जानते हैं गाइस अगर किसी व्यक्ति को डिस्पेप्सिया की दिक्कत है या कोई व्यक्ति डिस्पेप्सिया का पेशेंट है उसे क्या डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले नरम या तरल आहार का ही सेवन करें, जैसे दाल या दूध का सेवन कर सकता है, ना कोई मिर्ची का यूज़ करें, ना कोई तली या भुनी चीज़ का यूज़ करें जिससे उस व्यक्ति की दिक्कत और बढ़ सकती है। जो अगला है गार्गिल विथ वार्म साल्ट वाटर का यूज़ कर सकता है और एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकता है, इसमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। और गाइस जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में होगी और उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा।
तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज़।